सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिमान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत परिये, धर्म ना छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वो किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद किचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। अगर उल्टे कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। मन मत बाप पर मत पर नहीं चलना। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बाबा कहते हैं, शिव भगवान बच अपने बच्चों शालिग्राम प्रति, शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव डॉट बिंदु कहते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा भी डॉट बिंदु है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, चमकता है अजब सितारा। यह आत्मा की बात है। यह तो पहले निश्चय करना है। बराबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा। रुद्र कहें तो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है। चीजें की है वो है परमपिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाला मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्वात्माओं का बाप। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बराबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, ब्रह्मा तन में आकर पुराना तन का आधार ले हम बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा है ज्ञान का सागर। पानी के सागर की कोई बात ही नहीं है। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध होते जाएंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुक्त करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वो अंत में हिसाब किताब चुक्त होना है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप के सब बच्चे हैं, सारा सिजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वो सरनेम पड़ जाता है। यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे भूलो मत,
परंतु फिर भी माया बुला देती है। बाप कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस पड़ती जाएगी, ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माले के आठ रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में ये लॉ नहीं है, तुमको तो वहां अथाह सुख मिलता है। कहा सतयुग में। अब तुम बाप के सच्चे ब्राह्मण बने हो। किस लिए? देवता बनने के लिए। तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी जबरदस्त है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रह बाप से बरसा लो। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी करेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको आकर पावन बनाता हूं, और पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूं। पति दुनियापति शरीर में आता हूं, फिर भी कलंक लगाए तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेगी। यहां तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हैं, लेकिन चलते फिरते बाप का हाथ छोड़ो एकदम मिट्टी मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र ना रह तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर, प्रतिज्ञा कर, पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना, यह बात अभी होती है संगमी पर। शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। यहां तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगुले के साथ रहना पड़ता है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते काके मामे चाचे को देखते भी बाप को ही याद करना है। मतलब परिवार में किसी को भी देखो लेकिन याद शिव बाबा को करना है। यह कोई वो कमन सत्संग नहीं है जहां ढेर आकर इकट्ठा हो। वो क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार में लेक्चर में कितनी क्रिश्चियन बना लेते हैं। यहां ऐसा नहीं हो सकता, यहां तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जबकि वो सतगुरु मिला है दलाल के रूप में, कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो क्या होगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। साथ छोड़ा तो खत्म, महान पापात्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पापात्मा भी देखना है तो यहां देखो। बाप कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्यात्मा बनना। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर घुस्सा मार देगी। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है, यह है सतप्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला यह मरा। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करें। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ, दुखों के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ। देखो स्वर्ग के लायक है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या? नहीं, तो पढ़ना है, उन्हें तो पढ़ाना है, यह नॉलेज है, अंधश्रद्धा की बात नहीं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं बाप से प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है।
कभी भी जवान देह बदलना नहीं है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह अभिमान बन साकार शरीर में फंसना नहीं, ना किसी को फंसाना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सदगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पावट बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पार्ट बजाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त रहेंगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर सतगुरु बाप समान आत्मा हूं। मीठी मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा सुख सागर की लहरों में लहराते। मस्त रहना है, खुश रहना है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहेंगे तो याद की शक्ति से हम पावन पुण्य बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।